हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टेट लाइन जो थी उसको जल्दी से जल्दी क्विकली उसकी हमने देखी थी, तो आज के बच्चों इस वीडियो में हम सर्कल जो है बहुत जल्दी से उसका रिवीजन जो वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन की, तो बच्चों एक सर्कल जो है अगर उसका सेंटर ओरिजिन हो, रेडियस आर है, तो उसकी इक्वेशन अपने पास में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सपोज सेंटर जो है उसका एच कोमा के हो गया और रेडियस आर है, उस केस में बच्चों उसकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगली फॉर्म बच्चों अपने पास में आती है डायमेट्रिक फॉर्म, जब एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स अपने को गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन बच्चों क्या होगी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट फॉर्म बच्चों अपने पास में आती है जनरल फॉर्म, तो जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड डिग्री का जो कर्व होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड डिग्री का कर्व जो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर हो, यानी कि ए इक्वल टू बी, एंड सेकेंड कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी एच की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब अपने पास में जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब बच्चों बात आती है इसका सेंटर जो वो क्या होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस है वो बच्चों अपने पास में आती है अंडर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगली बच्चों हम यहां पर सर्कल में बात करते हैं एक पॉइंट की, सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजिशन। तो सपोज अपने पास में किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज s इक्वल्स टू जीरो, और अपने को एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है x1 कोमा y1, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो पॉइंट जो सर्कल की इक्वेशन में डालना है। पॉइंट जब सर्कल की इक्वेशन में डालोगे तो वहां पे अगर उसकी वैल्यू को हम बोल रहे हैं कुछ s1, तो अगर s1 ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, s1 की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ रही यानी वो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, s1 की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रही इसका मतलब बच्चों पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्लियर, तो ये बात हो गई एक पॉइंट की सर्कल से। अब बच्चों पॉइंट और सर्कल में और क्या होता है कि एक सर्कल की पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, तो बच्चों वो पॉइंट जो वो सर्कल के चाहे अंदर लाई करे या बाहर लाई करे या आपको चेक नहीं करना, सिंपली एक पॉइंट की सर्कल से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज मॉड ऑफ सीपी माइनस आर। सीपी बच्चों यहां पे क्या है, सेंटर की पॉइंट से डिस्टेंस। मैक्सिमम जो एक पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस होगी वो होगी बच्चों सीपी प्लस आर। अगेन सीपी क्या है, पॉइंट और सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। क्लियर, ये बात होगी पॉइंट और सर्कल। अब और क्या होता है, लाइन और सर्कल होता है, तो चलिए लाइन और सर्कल का मतलब बेसिकली अपने पास में क्या हो गया, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन जो फाइंड करना चाहते हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास आती है टेंजेंट की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 कोमा y1, तो वहां पे हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बच्चों बड़े ही ध्यान से सुनना, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वहां पे स्टैंडर्ड है, अगर एक पॉइंट कर्व पे गिवन है तो उसमें टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू जीरो। अब t इक्वल्स टू जीरो, जहां पे भी मैं t इक्वल्स टू जीरो बोलूंगा उसका मतलब क्या होता है, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से, x को रिप्लेस कर दो x plus x1 by 2 से, y को रिप्लेस कर दो बच्चों y plus y1 by 2 से। सर्कल की इक्वेशन में ये सारे रिप्लेसमेंट करने के बाद में बच्चों आपको क्या मिलेगी, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। आसान है। चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है बच्चों सर्कल की टेंजेंट की, दैट इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में बच्चों अपने पास में क्या होता है, एक सर्कल है सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन है, और एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये लाइन उसकी टेंजेंट कब होगी, जब c स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर मान लो कि सर्कल जो है ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, सर्कल का सेंटर सपोज एच कोमा के है, तो बच्चों अगर h, k है तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो टेंजेंट की इक्वेशन अभी हमने लिखी उसके अंदर x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस h से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस k से। इस खास बात को बच्चों तुम्हें हमेशा ध्यान रखना। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन। अगला बच्चों आता है कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए स्लोप फॉर्म में उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करोगे, उस पॉइंट को लेट कर लो जो कि फाइंड करना है x1 कोमा y1। उस पॉइंट पे पॉइंट फॉर्म में इजीली t इक्वल्स टू 0 से आप इक्वेशन लिख सकते हो, और स्लोप फॉर्म में आपने इक्वेशन अभी अभी मैंने लिखना बताया, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो बच्चों वहां से x1 कोमा y1 आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं कि जो हम एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है x1 कोमा y1 उससे टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी, तो वो बच्चों टेंजेंट की लेंथ आती है अंडर रूट s1। अब s1 को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं मैं पहले, क्या मतलब है
कि सर्कल की जो इक्वेशन है उसके अंदर बच्चों एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो उस पॉइंट से और उसका अंडर रूट ले लो तो ये टेंजेंट की लेंथ। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट का मतलब बेसिकली अपने पास में क्या है, एक सर्कल है उस पे के बाहर एक कोई पॉइंट है पी, पी से हमने बच्चों एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ए एंड बी। तो यहां से पी ए इंटू में पी बी जो इन डिस्टेंस है इनका प्रोडक्ट बच्चों इक्वल्स टू होता है पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, वो क्या है एस वन। तो यहां से क्या आ गया पी ए इंटू में पी बी जो है वो बच्चों अपने पास में आ चुका है एस वन के इक्वल। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है। चलिए अगली बच्चों हम बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अपने पास में सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा टेंजेंट का उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगेन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बच्चों टी इक्वल्स टू जीरो। अब तुम बोलोगे कि टेंजेंट की इक्वेशन भी टी इक्वल्स टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी टी इक्वल्स टू जीरो, डिफरेंस क्या है बच्चों, जो टेंजेंट की इक्वेशन थी वहां पे x1 y1 जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, ये सिंपल साइन में डिफरेंस। अगला पॉइंट है अपने पास में कि एक सर्कल की कोड की इक्वेशन लिखनी है जिसके कोड का मिड पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, तो उस कोड की बच्चों इक्वेशन होती है t equals to s1। अगेन t का मतलब भी सेम है s का, s1 का मतलब क्या है, इक्वेशन जो सर्कल की है उसके अंदर पॉइंट जो मिड पॉइंट गिवन है वो पुट कर दो, इजी। चलिए अगली बच्चों अपने पास में एक टर्म आती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल अपने पास में क्या होता है, लोकस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। हमने एक पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ की दो, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस पॉइंट के लोकस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल और जो ओरिजिनल सर्कल है वो बच्चों हमेशा दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जो अगर मान लो कि ओरिजिनल सर्कल जो है उसकी रेडियस आर है तो बच्चों जो उसका डायरेक्टर सर्कल होगा उसकी रेडियस हमेशा आएगी रूट टू आर। क्लियर, अगला पॉइंट आता है अपने पास में पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब बेसिकली अपने पास में क्या हो गया कि उनकी जॉइंट इक्वेशन लिखनी है, तो आप चाहो तो उसका अलग से रिजल्ट याद रख सकते हो, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगेन एस वन डिफाइन कर चुके हैं, टी डिफाइन कर चुके, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बच्चों क्या है, स्लोप फॉर्म में आप इक्वेशन लिखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर ए इंटू रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर और उस टेंजेंट को पॉइंट h कोमा k से पास करा दो, वहां से m की दो वैल्यूज के लिए दो टेंजेंट मिल जाएगी, उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से बच्चों तुम्हें पेयर ऑफ टेंजेंट जो वो मिल जाएगी। क्लियर, तो ये देखो पूरी बातें होगी अपने पास में टेंजेंट और लाइन के बीच में क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें। ओके बच्चों, चलिए अगली बात करते हैं हम दो सर्कल जो है उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में जो अपने मेन काम की चीज है वो है ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या है, जब दो सर्कल जो 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। सर्कल इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे अगर दोनों सर्कल्स की टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच का एंगल आता है बच्चों 90 डिग्री। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, सपोज फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाला जो सर्कल है उसकी सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां से बच्चों कंडीशन आती है टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। क्लियर फंडा, चलिए सर्कल और लाइन की बात हो गई, अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दो सर्कल्स। तो चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स की, जिससे लगातार जेई में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अब दो सर्कल का एनालिसिस करना है इसका मतलब क्या है, सर्कल कहां कहां पे लाई कर सकते हैं, दोनों सर्कल सपोज एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं तो बच्चों उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के सम से ज्यादा होती है, तो c1 c2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। अब यहां पे कॉमन टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ की जा सकती है, चार कॉमन टेंजेंट्स आती है बच्चों, दो अपने पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और दो अपने पास में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी, ऐसी टेंजेंट जो जिसके दोनों सर्कल जो उस टेंजेंट के नीचे लाई करनी चाहिए या ऊपर लाई, यानी एक लाइन के दोनों सर्कल एक ही तरफ अगर लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, और अगर दोनों सर्कल उस लाइन के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच्चों क्या आता है कि जो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है सी वन सी टू उसको ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अपने पास में दोनों के रेडियाई के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है। ओके और जो अपने पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट क्या करता है, उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को r1 रेशियो r2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और क्या क्या चीजें हो सकती है यहां पे, इन दोनों की लेंथ,
तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बच्चों लेंथ आती है अंडर रूट ओवर C1C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। C1C2 का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, R1 R2 दोनों की रेडियाई है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बच्चों क्या होगी, रूट ओवर C1C2 होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये बात होगी जब दोनों सर्कल बाहर लाई कर रहे हैं। चलिए अब दोनों सर्कल मान लो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों उसकी कंडीशन क्या लिखोगे, C1C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। C1C2 का मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, रेडियस R1 और R2 क्या, दोनों की रेडियस। ऐसे केस में कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होंगी बच्चों, 3 कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स और एक डायरेक्ट। ऐसे केस में जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ और दोनों को क्या कर दो बच्चों, सबट्रैक्ट कर दो, तो वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर। अब मान लो कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, C1C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन मोड ऑफ R1 माइनस R2, यानी रेडियाई का जो डिफरेंस है उससे सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और जो रेडियाई का सम है उससे कम होनी चाहिए। अगेन इस केस में कॉमन टेंजेंट बच्चों कितनी होंगी, 2, और दोनों ही कैसी होंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए अगला क्या हो सकता है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल, यानी C1C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगला इस केस में भी बच्चों कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी, एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी और उसकी भी आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक सर्कल अगर कंप्लीटली दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, C1C2 इज लेस देन मोड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर। यही बच्चों अपने पास में दो सर्कल्स की जो है वो पोजीशंस हो सकती है, उनके बारे में हमने बात की। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉमन कोड। दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी कॉमन कोड की इक्वेशन, सपोज पहले वाले सर्कल की इक्वेशन है S1 इक्वल्स टू 0, दूसरे सर्कल की इक्वेशन है S2 इक्वल्स टू 0, तो उनकी बच्चों जो कॉमन कोड होती है उसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, S1 माइनस में S2 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। चलिए अगली बच्चों हम बात करते हैं दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस की। रेडिकल एक्सिस अपने पास में क्या होती है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ जो वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, उसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन भी बच्चों होती है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली रेडिकल एक्सिस और कॉमन कोड जो वो दोनों सिमिलर होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉमन कोड अपने पास में तभी एग्जिस्ट करेगी जब दोनों सर्कल जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, बट बच्चों जो रेडिकल एक्सिस है वो अपने पास में सारे केसेस में एग्जिस्ट करेगी जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हो, या फिर दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, दोनों ही तीनों ही केस में अपने पास में रेडिकल एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि रेडिकल एक्सिस और कॉमन कोड दोनों की इक्वेशन जो बच्चों अपने पास में S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अगला एक पार्ट आता है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर बच्चों क्या होता है, अपने पास में सपोज 3 सर्कल है तो हम क्या करें, 3 सर्कल की पेयर वाइज दो दो सर्कल की हम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जो पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी वो तीनों जो रेडिकल एक्सिस है वो कंकरेंट होती है, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर। क्लियर है फंडा, ये रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर में इतना ही पार्ट जो पूछा जा सकता है तुम्हें। चलिए अगले बच्चों हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की, जिससे काफी बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या है अपने पास में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, एक लाइन की इक्वेशन है L इक्वल टू 0, एक सर्कल है S इक्वल टू 0। अब इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनसे बच्चों इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। उन फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो इक्वेशन होती है दैट इज S प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल टू 0। अब उस स्पेशल सर्कल की कोई कंडीशन गिवन होगी उससे हम लैम्डा जो वो फाइंड कर लेंगे। सेकेंड केस है दो सर्कल जिनकी इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन दैट इज S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब अगर यहां पे लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो इसका मतलब वो बच्चों क्या बन जाएगा, अपने पास में कोड की इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड बच्चों हम बात करते हैं कि एक सर्कल है, एक वो फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि गिवन लाइन है अपने पास में, गिवन लाइन है बच्चों, और उस पे एक पॉइंट है x1, y1 तुम्हें गिवन है। सपोज लाइन की इक्वेशन L है और पॉइंट गिवन है x1, y1। ये खास ध्यान से समझना, इस पार्ट पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और अब फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो कि उस लाइन को उस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसके बच्चों इक्वेशन क्या होगी, तो पहले उस पॉइंट को पॉइंट फॉर्म में सर्कल लिख दो, x-x1² प्लस y-y1² प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल जो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो इसी टाइप से पूछे जाते हैं,
फिर एक अपने पास में पूछा जाता है कि दो फिक्स्ड पॉइंट है उनसे पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन, तो अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? तो बच्चों दोनों पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करने वाले एक सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, तो वो क्या होगी? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इक्वल्स टू जीरो। l क्या है बच्चों? उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। क्लियर बच्चों? तो ये देखो सर्कल जो है उसकी पूरी समरी होगी। इसको बच्चों आप अगर लास्ट टाइम अच्छे से अगर इसको रिवाइज कर दो तो आप सर्कल चैप्टर में क्वेश्चन को बहुत इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो भी आपको पिछले की तरह काफी पसंद आया होगा, तो बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो।